तक हो क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मेरी फ़ोन से वार्ता हुई है। उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुखाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने निरंतर सबसे संवाद स्थापित किया है, वर्चुअल रूप में भी और टेलीफोनिक माध्यम से भी। और उन्होंने सारे मंत्रियों को निर्देश किया है कि वो अपने अपने जिलों में अपने अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में, वहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ में मंत्री उसको मॉनिटर करें और उनको जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हम पब्लिक को उपलब्ध करा सकते हैं अधिक से अधिक, उसके लिए वो व्यवस्था कराएं। इसके निर्देश अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने पुनः दिए हैं और कई जगह उन्होंने संपर्क भी किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक कर्मयोद्धा हैं और जिस तत्परता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया है कोरोना के संक्रमण के दौरान विगत एक हफ्ता में, मैं समझता हूँ इससे कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता है। और आज भी उन्होंने व्यापक तौर पर अपने अधिकारियों को कहाँ पे चिकित्सीय उपकरण कम हैं, कहाँ पे दवा आ सकती है, कहाँ पे बेड्स बढ़ाए जा सकते हैं, इसके समुचित निर्देश दिए हैं। कुछ प्रदेशों से, जैसे लखनऊ का उदाहरण दूँ तो इंजेक्शन भी आया है, तमाम वेंटिलेटर्स भी, सैकड़ों की संख्या में वेंटिलेटर्स भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, 2000 के आसपास बेड भी यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। बलरामपुर, इंटीग्रल, हिंद, मेयो, टीएस मिश्रा, ये ऐसे कॉलेज हैं, एरा मेडिकल कॉलेज, कि जहाँ पर अलग से बेड की व्यवस्था, अतिरिक्त बेड की भी व्यवस्था की गई है, चिकित्सीय उपकरण के साथ साथ चिकित्सा की दवाइयों की भी, अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ की भी अतिरिक्त व्यवस्था कराई गई है। और हम समझते हैं कि जिस युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से काबू पाएंगे, अपनी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सफल बनेंगे। लखनऊ में ये कहा जा रहा है कि जो लोग कोरोना से